हेलो गाइस, नमस्ते। आज हम लोग एक रिव्यू करेंगे, एक और एक नया प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है ये, मुझे बहुत सर्च करने के बाद मिला। मैं हमेशा प्रोडक्ट का शेयर करता हूँ और रिव्यू करता हूँ, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। मैं कौन सा कोई भी स्पॉन्सरशिप में नहीं पार्टिसिपेट कर हूँ और कोई मुझे नहीं बताया है, मैं खुद भी यूज करता हूँ प्रोडक्ट और आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो हम लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं खुद यूज कर रहा हूँ। उसके बाद 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको जेन्युइन प्रोडक्ट का मिल सके और आप फायदेमंद रह सके। क्योंकि मुझे पता है पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर पैसा हमारा नुकसान में होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम आज प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं, एक शैम्पू है जो कि ग्रीव हेयर के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो मेरा ग्रीव हेयर है, इसलिए मैं मेन मटर का यूज किया था, ग्रीव डार्क मैक्स का टोनिंग यूज किया हूँ। उसका रिव्यू भी है चैनल पर, आप देख सकते हो। मैं वो नाइट में लगाता हूँ 7 बजने के बाद। उसके बाद मैं जब शैम्पू का टाइम आता है, मैं सोच रहा था कैसे मुझे एक शैम्पू मिले जो कि ग्रे हेयर को रुक सके। तो फाइनली मुझे एक प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है ये बुद्धा नेचुरल का एंटी ग्रे क्लिंजर। तो ये एंटी ग्रे हेयर को क्लीन करने में मदद करेगा और एंटी ग्रे को आने में रोकेगा, एक साइंटिफिकली क्लेम है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है और कोल्ड प्रेस ऑयल से बना है, आर्टिफिशियल मतलब किचन मेड प्रोडक्ट है, तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 799 रुपीज़ है, जो कि 200 ml है। ये बोतल 200 ml 1 महीना चले जाएगा, क्योंकि आपको 2-3 दिन ही हफ्ते में शैम्पू करना होता है, तो उतने में आप शैम्पू करके 1 महीना तक ये चल जाएगा। तो इस कैसा लगा है प्रोडक्ट है, यहाँ पे है ब्लैकबेरी मिला हुआ है, उसके बाद है यहाँ पे सीसम ऑयल है, यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, उसके बाद नीम वाटर है, ग्लिसरिन है, भृंगराज आमला और ब्लैकबेरी है। हाँ, सभी को पता है आमला और भृंगराज क्या करते हैं। आमला भृंगराज आपको हेयर को, फॉलिकल को मेले होने, डाट होने से बचाता है और आपको क्लीन अच्छे से करते हैं। भृंगराज आपको जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। उसके बाद ब्लैकबेरी ऑयल पता है उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, वो बालों को लेयर तक जाता है और बालों को जो ऊपर जो रहता है ना, स्कैल्प के प्रॉब्लम, इशू, इचिंग, फिचिंग और ग्रीव हेयर को रोकता है, क्योंकि वो मेलानिन का प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फायदे में होता है। उसका रिफेयर हेयर को रिफेयर भी करता है, डैमेज से बचाता है, ये सब इस ऑयल करता है। इसका नाम है एंटी ग्रे हेयर शैम्पू ब्लैकबेरी भृंगराज का। ये है बुद्धा नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉक्टर्स का बना हुआ प्रोडक्ट है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, मैं इसको जेन्युइन रिव्यू किया हूँ। ये मेरा सेकेंड बोतल है, एक बोतल का यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद में सेकेंड बोतल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका कॉस्ट कैसा है, मैं तो हमेशा ये थोड़ा इस टाइप का है, इसका स्मेल ब्लैकबेरी कलर का है, ब्लैकबेरी स्मेल है, ब्लैकबेरी कलर है और ये थोड़ा वाटर टाइप का रेजिस्टेंस। देखिए, तो आपको थोड़ा क्वांटिटी लेना है। पहले बालों को आप क्या करेंगे, बालों को आप हमेशा अपने पानी में धो ले, 2-3 बार धो ले, उसके बाद ये शैम्पू यूज कीजिए, ठीक है। तो इस शैम्पू का पूरा वाटरी है, तो आपको बालों में लेके ऐसे ऐसे करना है, ताकि 2 मिनट तक आपका स्काल्प को अच्छे से मसाज कीजिए। उसके बाद जब टाइम आएगा धोने के लिए, तो 2-3 मिनट को ऐसे ही रखने दे, उसके टाइम में आप दौरान आप बॉडी को वॉश कर सकते हो। जब 2 मिनट हो जाए, उसके बाद आप पानी से इसको धो ले। धोने के बाद मैं आज ही शैम्पू किया हूँ, आप देख सकते हो, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, मेरा थोड़ा थोड़ा ग्रीव हेयर है, उसको रिमूव करने के लिए मैं डार्क मैक्स का टोनिंग यूज कर रहा हूँ। वो मेरा चैनल के वीडियो बॉक्स में है, आप भी यूज कर सकते हो, ताकि मेरा ग्रीव हेयर कम हो जाए। मेरा अभी तक ग्रीव हेयर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा था, ग्रीव हेयर कम हुआ है, पहले मैं बाहर नहीं निकल सकता था, पर अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं फुली कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ।
तो ये शैम्पू भी आपको, ये शैम्पू भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया ग्रीव हेयर ने रिमूव करने में। मैं एक शैम्पू ढूंढ रहा था जो कि ग्रीव हेयर के लिए अच्छा हो, तो फाइनली मुझे ये मिला है। बुधा नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये 1 महीने से भी ऊपर चला जा रहा है, तो बहुत मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं सजा रहेगा जिसने भी 30 एज के अंदर लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपका ग्रीव हेयर का प्रॉब्लम है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ये बुधा नेचुरल शैम्पू ट्राई कीजिए, 1 महीने ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा रिव्यू शेयर कीजिए मेरे चैनल पे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बोल सकते हो। तब तक के लिए आप ये प्रोडक्ट को रिव्यू कीजिए, ठीक है? थैंक यू। जगन्नाथ, नमस्ते।